तुम लोग नहीं, रुको रुको, यही रुको, मैं अभी आ रही हूं। थैंक यू पापा। अब बंद रहो, मैं इतनी खुश हूं ना सच्ची, पापा ने मेरी सुन ली सच। अरे वाह नीला जी वाह, ओ गॉट इट, आप ये देखने आई हैं कि हम आपकी बेटी के साथ ठीक से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, राइट? श्वेता जी अवनी उनकी बेटी है, उनका पूरा हक है कि वो इस बात को देखे कि उसकी बेटी के साथ कहीं वाकई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वैसे भी नीला जी अब आप हमारी फैमिली हैं, आपका पूरा हक है, आप कभी भी इस घर में आ सकती हैं। नीला आओ ना। जी आया नू, और इस बार मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम तुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। पक्का वादा। और तू अपनी कभी ये नहीं कह पाएगी कि उसकी कोई लाड करने वाली दादी नहीं है। मैं हूं अपनी की दादी। मैं तुझसे वादा करती हूं मेरे रहते हुए कोई तुझसे बुरा सलूक नहीं कर पाएगा। और जिस लाड की तू हकदार है ना, वो तुझे ये तेरी बेबे देगी, इसलिए नहीं कि तू नील की पत्नी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू इस लाड की हकदार है, इसके लायक है तू। आज के बाद पुत्र मैं तेरी ढाल बन के खड़ी रहूंगी, कोई तुझसे नहीं कह पाएगा, चाहे इसके लिए मुझे टिल्लू के कान क्यों न मरोड़ने पड़े। फाइनली मेरी बेबे को तुमने मुझसे छीन लिया। नहीं, मैं दोनों की बेबे हूं। हाँ, वो तो इसी बात पे तो मुंह मीठा होना चाहिए, राइट? अरे अच्छे से खाना। हाँ झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है ना बेबी। थैंक यू मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूं। खुश तो मैं बहुत हूं बेटा, मेरी बेटी घर आई। बेबे गणपति आते आते मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। बिल्कुल भगवान तुम दोनों की खुशियां क्यों ही बनाए।